दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर DRM मनिंदर सिंह उप्पल का नैनपुर आगमन हुआ, जहां उन्होंने रेलवे के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। नई आवासीय कॉलोनी, रेलवे हॉस्पिटल, नए RPF भवन और अन्य रेलवे ऑफिस एवं वर्कशॉप का उन्होंने गंभीरता पूर्वक निरीक्षण कर निर्देश जारी किए। कोरोना काल के चलते लंबे समय से नैनपुर, जबलपुर, बालाघाट, गोंदिया ट्रेन बंद है, जिससे क्षेत्रीय आम जनता को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय से लगातार आंदोलन, ज्ञापनों का दौर चलने के बाद भी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, सांसद और मंत्रियों की कान में आज तक जू तक नहीं रहेंगी है और आज भी मंडला, नैनपुर, जबलपुर, गोंदिया ट्रेन संचालन जनता के लिए बंद पड़ा है। ट्रेनों के नहीं चलने से जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। पूरे देश में ट्रेनों का संचालन पूर्ण क्षमता के साथ प्रारंभ किया जा चुका है। आदिवासी क्षेत्रों में जल्द ट्रेन चलाने हेतु एवं रेलवे से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन आज ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति नैनपुर के द्वारा सौंपा गया, जिसमें नगर के उत्साही नौजवान, नगर के पत्रकार एवं मंडला से आए हुए संघर्ष समिति के पदाधिकारी ने DRM नागपुर से अपनी बात कही। इस पर DRM मनिंदर सिंह उप्पल ने बताया कि रेल मंत्रालय से उन्हें किसी भी प्रकार के ट्रेन संचालन की अनुमति अभी नहीं मिली है और लगातार वह भी प्रस्ताव बनाकर रेल मंत्रालय एवं उच्च अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी प्रकार से अनुमति नहीं मिलने के कारण इस ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन रुका हुआ है। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान यहाँ के जनप्रतिनिधियों को द्वारा प्राथमिकता से किया जाना चाहिए। वहीं सैकड़ों की संख्या में रेलवे स्टेशन पहुंचकर नगर के युवाओं ने एवं रेल संघर्ष समिति ने मांग की है कि हमारी मांगों का समाधान कर जल्द ट्रेन चालू की जावे, अन्यथा और भी बड़े आंदोलन जनता के हितों में विभिन्न संगठनों के द्वारा किए जाएंगे। न्यूज रूम TV के लिए अनिल जांगड़े की रिपोर्ट। गोंदिया से जबलपुर, मंडला से जबलपुर, ये ट्रेनें कब चालू होंगी? देखिए, ट्रेन चलाना जैसे आपको विदित है, ट्रेन चलाना रेलवे बोर्ड के पावर्स में आता है। हमने अपना प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को अपने हेडक्वार्टर के थ्रू भेज दिया है। हम आशा करते हैं कि इसका प्रस्ताव हमें मंजूरी मिलेगी और जैसे ही मिलती है हम अपनी ये ट्रेन चलाएंगे। 12 नवंबर को रेल बोर्ड, रेल मंत्रालय और बोर्ड से आदेश जारी हुए कि जे देश में जो ट्रेनें पुराने समय पर चलती थी वो यथावत समय पर चलेंगी और उचित दर जो किराया था उस पर चलेंगी। क्या कारण है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में इतना विलंब हो रहा ट्रेन के संचालन के लिए? अब नॉर्मल ट्रेनें सभी कब चलेंगी वो धीरे धीरे करके रेलवे बोर्ड के आदेश के अनुसार हम चलाएंगे। गोंदिया से समनापुर की जो ट्रेन चालू हुई है, क्या वो उसको जबलपुर तक चलाने में बिलासपुर जोन को कोई तकलीफ है या उसको चलाने में कुछ अधिकारी या टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है? नहीं, अभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं। हमारा प्रस्ताव जो है ऑलरेडी गया हुआ है बोर्ड और बोर्ड के से प्रस्ताव की मंजूरी होती है, हम गाड़ी चलाते हैं। तो ये मतलब अपन ये माने कि समनापुर से रेलवे तक का मतलब अविलंब मतलब वो ट्रेन चालू हो जाएगी गोंदिया से जबलपुर तक? हाँ, जैसे ही जिस दिन हमको अप्रूवल मिलेगा उसके हिसाब से हम अपनी तैयारी हमने कर रखी है, उसके हिसाब से हम गाड़ी चलाते हैं। सर, कब तक अप्रूवल मिल पाएगा? जनता ये जानना चाह रही है कि हमारे यहाँ की ट्रेनें, आदिवासी क्षेत्र में जनता बहुत परेशान है, कब तक ये ट्रेनें मंडला से जबलपुर और जबलपुर से गोंदिया कब तक ये ट्रेनें चालू हो पाएंगी? देखिए, एग्जैक्ट डेट मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये अप्रूवल बोर्ड देता है जी, बट ऐसा जरूर बता सकता हूँ क्योंकि हमारा प्रस्ताव बिल्कुल आखिरी चरण पर है और हमें मंजूरी जल्दी मिलने की आज उम्मीद है। सर, आज नैनपुर में जो इंस्पेक्शन कार्यक्रम था आपका, वो किन कारणों को लेकर था, किन विषयों को लेकर, और आज आपने उस इंस्पेक्शन में क्या पाया और क्या सुधार किया? देखिए, मैं नैनपुर का निरीक्षण, नैनपुर जो लोकेशन है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जंक्शन स्टेशन माना जाता है और यहाँ पे पूरी जो सुविधा है फ्रॉम टेक्निकल सेफ्टी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसका निरीक्षण करने आया हूँ। यहाँ जितने भी इवन आवासीय जो सुविधा है हमारे स्टाफ के लिए, जो आवास गृह बन रहे हैं उसका मैंने निरीक्षण किया। हमारा जो दूसरा सुविधा है, लॉबी है, रनिंग रूम है, उनका निरीक्षण किया और हमारा जो हेल्थ यूनिट है, हॉस्पिटल है, उसका निरीक्षण किया। उसमें जो सुविधा है उसमें क्या इम्प्रूवमेंट और लाना है उसके लिए हमें दिशा निर्देश दिए। सर, ये मेडिकल की इसमें कोई इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, जैसे कि नैनपुर पूर्व में डिविजनल हॉस्पिटल था। नैनपुर हॉस्पिटल में अभी काफी कार्य हो रहा है, अभी आज मैं कार्य देख के आया हूँ, काफी कायापलट हो जाएगी कुछ दिनों में नैनपुर हॉस्पिटल की और उसमें काफी अच्छी सुविधाएं प्राप्त होंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। नैनपुर में वॉशिंग पिट की कोई प्रपोजल या कुछ ऐसा संभावना कोई अपने कोचिंग ट्रेन के लिए? एक पिट लाइन जिसे कहते हैं वो प्रस्तावित है, वो एक हमारा मास्टर प्लान बना रहे हैं, हम उसकी भी आज उसका भी प्लानिंग करने आए हैं, देखेंगे कहाँ कहाँ पिट लाइन बन सकती है, वो भी हमारे प्रपोजल में, हमारी डिटेल प्लानिंग में, मास्टर प्लान में दर्ज है।